Good morning, students. Today I am discussing with you about notice writing. A notice is a short written composition generally puts up in the notice board. तो notice क्या है? एक short में लिखा हुआ वो लेख है जो हम कहाँ पे notice board पे लगाते हैं. It gives necessary information about certain actions, events and functions and is also used to make appeals. तो नोटिस हमें किसकी जानकारी देता है? ये हमें जरूरी सूचना देता है अबाउट सर्टेन एक्शंस. ठीक है, किसी कार्य के रिलेटेड, किसी इवेंट, किसी घटना के रिलेटेड एंड फंक्शंस या कोई सोशल गैदरिंग यानी सम्मेलन के रिलेटेड. एंड इज आल्सो यूज्ड टू मेक अपील. वो साथ में हमसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं साथ में किसी तरह की अपील के लिए, प्रार्थना के लिए. इट इज़ रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. और साथ में इसको लिखा जाता है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, सीधा पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, अब असेंशियल्स ऑफ अ नोटिस. अ नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. सबसे पहले जो नोटिस है वो शॉर्ट में होना चाहिए, यानी बिल्कुल छोटा थोड़ा सा, एंड टू द पॉइंट और सीधा पॉइंट में. इट शुड बी पुट इन अ स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स. और जब भी नोटिस हम लिखते हैं इसको स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स में रखते हैं, यानी स्क्वेयर शेप बॉक्स बनाया जाता है फिर नोटिस लिखा जाता है. इट मस्ट कंटेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन अ मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स. नोटिस में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सूचना होती है लेकिन कम से कम वर्ड्स में. जितने कम वर्ड हो उतने कम वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें होती है. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन पर नाउन आई एंड यू शुड नेवर बी यूज्ड. मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई है या यू है, उसका हम इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं. इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन पर नाउन. ये हमेशा थर्ड पर्सन पर नाउन में ही लिखा जाता है. डेट ऑफ राइटिंग, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर शुड बी मैंशनड इन इट. कब नोटिस लिखा जा रहा है उसकी डेट मैंशन करना, डेजिग्नेशन जो लिख रहा है उसकी उपाधि क्या है, यानी वो किस पद पर नियुक्त है, प्रिंसिपल है या मोनिटर है क्लास का या जो भी, और एंड सिग्नेचर, साथ में उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए उस पर. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी मैंशनड एट द टॉप. सबसे टॉप पर, नोटिस के सबसे टॉप पर क्या होता है, जिसकी तरफ से वो नोटिस है उस इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑफिस का नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई, ठीक है ना, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो सबसे नोटिस के सबसे टॉप पर लिखा जाता है. फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. जैसा फॉर्मेट है ऐसा ही आपने नोटिस लिखना है. यू आर द हेड बॉय या गर्ल ऑफ योर स्कूल. आप स्कूल के हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, यानी लीडर हो, अध्यक्ष हो. द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक. अब स्कूल क्या कर रहा है, एक ड्राइंग कंपटीशन यानी चित्र कला प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहा है. कब? अगले हफ्ते. तो राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल. अब आपने क्या करना है, नोटिस लिखना है एक स्कूल के नोटिस बोर्ड लगाना है. तो पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. और नोटिस को बॉक्स में रखना है. ठीक है, जो आपको फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में आपने इसको लिखना है. नोटिस लिखने से पहले आपने ये ध्यान रखना है, नोटबुक पे एक स्क्वेयर बॉक्स बनाना है. ठीक है, स्क्वेयर बॉक्स बनाने के बाद मैंने बताया था सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम आता है या ऑफिस का नाम आता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का. अब आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो इसलिए हमारा क्या आएगा, नेशनल अकेडमी हाई स्कूल उधमपुर, सबसे टॉप पर. ठीक है, नेक्स्ट लिखने से पहले आपने एक लाइन छोड़नी है. फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने बताया था डेट जरूर लिखनी है. तो जो डेट होगी
26th जुलाई 2020 मैंने लिखी है, तो जो डेट आपकी होगी आपने वही डेट लिखनी है जिस डेट को आप लेटर ये सारी नोटिस लिख रहे हो, वही डेट आपने लिखनी है। और सेंटर में जहाँ डेट लिखी है उसी लाइन में लेकिन थोड़ा आगे सेंटर में क्या लिखना है, नोटिस, ये कैपिटल में। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, ड्राइंग कंपटीशन, जो टॉपिक होगा जो हेडिंग होगा वही लिखना आपने, ड्राइंग कंपटीशन। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग कंपटीशन ऑन 8th of August 2020, जो डेट होगी। यानी स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल की तरफ से क्या हो रहा है, एक ड्राइंग कंपटीशन यानी एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कब, 8th of August 2020 को, ठीक है, 8 अगस्त को 2020 को। द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, वो विद्यार्थी जो इच्छुक हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वो अपने नाम दे सकते हैं, साथ में उनके नीचे सिग्नेचर भी होने चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखना है नीचे, नाम, लेफ्ट साइड में पूर्वी लिखा है मैंने, आप कोई भी जो आपका नाम है आप अपना नाम लिख दो, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हेड बॉय या हेड गर्ल, जिसकी तरफ से ये लिखा जा रहा है, हेड बॉय या हेड गर्ल, और उसके नीचे आपके क्या होने चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है। तो यही फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है, जब भी कोई नोटिस लिखना हो सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है, स्क्वेयर बॉक्स हो, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल का या ऑफिस का नाम, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद नोटिस कैपिटल में और लेफ्ट साइड में उसी के उसी लाइन में डेट, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद जो टॉपिक हो हेडिंग होगी वो, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, फिर मटेरियल, कम से कम आपने, ठीक है ना, मटेरियल लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपको मैंने बताया था पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखना है। और उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है, ये बीच में क्या आया, कंटेंट किसका, नोटिस का। अब एक लाइन छोड़ने के बाद उसका नाम आ गया जो लिख रहा है, ठीक है ना, फिर क्या है उसकी डेजिग्नेशन, यानी हेड बॉय है, हेड गर्ल है या प्रिंसिपल है, जो भी है, फिर उसके नीचे उसके सिग्नेचर। थैंक यू।